आज हम लोग एक गतिविधि करके देखेंगे, ठीक है। इस गतिविधि में क्या किया, पहले बलून को, दो बलून लिए लगभग सेम साइज का है, दोनों को धागा से बांधकर लटका दिए थोड़ी दूरी पे। अब ये बताओ कि अगर ये दोनों के बीच में कोई फूकेगा तो क्या होगा, बलून कैसे क्या होगा, दूर जाएगा। चलो इसको करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर करो। चलो गुलशन, हाँ इसके बीच में फूकना, क्या हो रहा है, फिर से करो एक बार और, क्या हो रहा है, क्यों आ रहा है। इसके बीच में जब गुलशन फूक रहा है तो हवा का जो वेग है वो बढ़ रहा है, है ना। हम लोग पढ़े हैं कि जब हवा का वेग बढ़ता है तो दाब क्या होता है, तो जब इसके बीच में फूक रहा है तो यहाँ वेग बढ़ रहा है और दाब घट रहा है। अब दाब जब घट रहा है तो क्या हो रहा है, जो इधर चारों तरफ की जो हवा है वो दाब डाल रही है बलून पे, और जिसके कारण बलून जो है वो नजदीक आ रहा है। इस चीज को हम यहाँ इससे भी समझ सकते हैं कि ये जब बीच में फूके तो हवा का वेग बढ़ गया और दाब क्या हो गया, घट गया। अब जब दाब घट गया तो जो चारों तरफ की हवा है वो दाब कहाँ डाल रही है, बलून पे, और बलून क्या हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। अच्छा लगा ये, समझ में आ गया, गुड, वेरी गुड।